नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का राशिफल। लेकिन ये सब जानने से पहले आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं लगातार भारत में भी अब बढ़ने लगे हैं। विदेशों में तो बढ़ ही रहे थे, अब भारत में भी बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन की जो संभावना है वो तेज होती जा रही है। वीकेंड में दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है और नाइट कर्फ्यू भी हम कुछ राज्यों में देख रहे हैं कि देखने को मिल चुका है। बिहार में लॉकडाउन की बातें, चर्चाएं जोरों शोरों से की जा रही हैं। और ऐसे में अगर आपको डर है कि कहीं एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया तो आपका कारोबार कैसे चलेगा, कहीं कारोबार की जो सेल है वो कहीं से फिर से एक बार गिर ना जाए पूरी तरह से, तो ऐसे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ गई है माई बिग ब्लिस ऐप, MYBIGBLISS ऐप आपकी सेल को लॉकडाउन में सिर्फ बचाएगी नहीं बल्कि बढ़ाएगी भी। इसके लिए आपको करना छोटा सा ये काम होगा कि सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर माई बिग ब्लिस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको इसका फिर इस पर अपनी दुकान रजिस्टर करनी है। दुकान रजिस्टर करने के बाद आपके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करना, अपने स्टोर को लाइव करना, इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है इस ऐप की, माई बिग ब्लिस ऐप पर आप बिना एक रुपया खर्च करे अपनी सेल बचा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं लॉकडाउन में, और वो भी घर बैठे बैठे आप अपनी दुकान पूरी तरह से अच्छी तरह से चला भी सकते हैं। और इसके ज़रूरी नहीं कि आपको पहले से ही कोई दुकान रजिस्टर करनी हो या फिर आपको कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अगर आप कोई भी सामान बेचना चाहते हैं या फिर अपना पहले से कोई दुकान चला रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या एम्प्लॉई हैं, तब भी आप इस ऐप के ज़रिए अपना सामान बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं घर बैठे बैठे लॉकडाउन के दौरान भी। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आज के राशि फल की। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीबी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो प्रसारित हो रहा है। आज 5 जनवरी 2020। आज के शो के अंदर हम राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, कृषि जिनसों में होने वाली हलचल, बुलियन और मेटल में क्या संभावना बनेगी और शेयर बाजार में कहां रहेगा उतार चढ़ाव, इसके ऊपर विशेष चर्चा कर रहे हैं। जी अखिलेश जी, कर्नल जी, सबसे पहले आपसे आज का राशिफल जानना चाहेंगे कि राशिफल कैसा देखने को मिल सकता है आज। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 4 तत्वों में 12 राशियों को डिवाइड यानी विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है। 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं, आज दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती है। 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। 8 से 9 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार हो या क्रोध जींस, सभी के अंदर कहां लेनिया है आपका, कहां कौन सी राशि कौन से तत्व को रिलेट करती है, बहुत महत्वपूर्ण होगा, विशेष ध्यान रखें। जी अखिलेश जी, कर्नल अजय जी, यहीं से बात करें अगर कमोडिटी बाजार की, तो कृषि फसलों में आज आपको क्या लगता है? सबसे पहले आपसे कपास खली के ऊपर, बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में लगातार तेजी बनती नजर आ रही है। वायदा बाजार में बिनौला खल 3300 के पार जा चुका है। ये वही लेवल है जो हमने 2021 में हाई लगते हुए देखे थे। अब 2022 में उन हाई से शुरुआत हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है बिनौला खल का बाजार अब आने वाले समय में कैसे रह सकता है? देखिए, बिनौला खल के अंदर कपास की जो अराइवल है वो लगातार घटती जा रही है। किसान माल, अच्छी क्वालिटी का माल तो बाजार में ला ही नहीं रहा है और दागी माल कुछ बाजार में उपलब्ध है, और जैसे जैसे अराइवल में कमी आती जाएगी, सीड की उपलब्धता कम होगी और इससे खली का भी उत्पादन के ऊपर प्रभावित होगा, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे जो ऑयल सीड्स हैं जैसे सरसों है, सोयाबीन है, उनके अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर अच्छी तेजी बन रही है। ब्राजील है, अर्जेंटीना है, अमेरिका है, वहां भी मौसम की प्रतिकूलता बन रही है, जिससे सोयाबीन के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी तेजी दिखा रहे हैं और इसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है।
तो इसका सीधा सीधा असर उनकी डीओसी पर भी पड़ता है और उससे भी कपास खली के भाव के अंदर तेजी बन रही है। तो गौरतलब है कि पशु जो डेयरी उद्योग है या डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर कपास खली अपने भावों के कारण सबसे अधिक आकर्षित होती है, क्योंकि इससे इसको पशु भी पसंद करते हैं और भाव भी बारा खाता है। यही एक महत्वपूर्ण बिंदु है कपास खली की तेजी के लिए। कपास खली अपने उच्चतम स्तर पर चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने आपको दिया भी था। लेकिन मेरा यही कहना होता है कि जब भी कपास खली हो या कोई भी कमोडिटी हो, यदि आपके पास 100 टन माल है या 100 क्विंटल माल है, तो उच्चतम स्तर के ऊपर कुछ माल जरूर बेचना चाहिए। ये एक जानी मानी व्यापारिक तकनीक है कि यदि आपके पास 100 टन माल है और जब आपको भाव उच्चतम मिल गए हैं तो 30-40 टन आपको उसमें अपना माल मुनाफा वसूल जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाजारों के अंदर उतार और चढ़ाव चलता है। जो समय पर मुनाफा नहीं वसूल करता है वो फिर बाद में पछताता है। लेकिन कुल मिला के कपास खली का ट्रेंड पॉजिटिव है, आज भी मजबूती की संभावनाएं बन रही हैं, तेजी बन सकती है। लेकिन मेरी नजरिया ये रहता है कि जब बाजारों में गिरावट हो उस वक्त माल खरीदें और जब बाजारों में तेजी हो तो अपना माल बेचें। ये व्यापारिक नीति है। सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन, ओवर लिवरेज, ओवर ट्रेडिंग, एक रुपया पास में 100 रुपए का काम करना, एक ही दिन के अंदर अमीर बनने की या की जो लालसा, ये बाजारों को विपरीत करती है और ये परेशानी में डालती है। तो हमेशा मेरा यही कहना है कि कुछ मुनाफा वसूल करना चाहिए, उसमें कोई दोराय नहीं है, क्योंकि लेकिन कुल मिला के ट्रेंड पॉजिटिव है। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि बिनौला खल का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। यहीं से कर्नल जी बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि कभी मंदी तो कभी तेजी बनती नजर आ रही है। आज भी देख रहे हैं कुछ ऐसा ही ट्रेंड फॉलो होता नजर आ रहा है। कल तो हमने ऐसा होता देखा ही देखा, आपने जैसे बताया था कि ग्वार में अंदर उठापटक जारी रहेगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वही वॉलेटिलिटी हम आज भी देख रहे हैं। 11,100 के ऊपर बाजार गया तो था लेकिन लाल निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से तेजी रहेगी या फिर आज कीमतें गिरेंगी? देखिए, जहां तक इंटरडे का सवाल है, इंटरडे के अंदर वॉलेटिलिटी है और हमें फंडामेंटल और ये टेक्निकल को दोनों को मिला दें। देखिए, जैसे मैंने आपको एक अभी कुछ सेकंड पहले यही कहा कि यदि आपको लगता है कि फंडामेंटल मजबूत है, आपकी कैपेसिटी है, आप इसको रोक सकने की स्थिति रख सकते हैं, 10-12% का गिरावट या 10-12% का रिस्क ले सकते हैं, तो उसमें खरीदने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आज ही इसके अंदर मुनाफा वसूल हो जाए, आज ही हम 10 लॉट खरीद लें और 10 लॉट के अंदर 25,000 रुपए आज ही कमा लें, तो इस तरह की वॉलेटिलिटी तो अभी रहेगी। तो उस समय इस तरह की वॉलेटिलिटी के अंदर जो भी ट्रेडर है, यदि वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ग्वार सीड का फंडामेंटल मजबूत है, वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो चलती भी रहनी चाहिए। जब तक कोई बेचेगा नहीं, कोई खरीदेगा कैसे? और जब तक कोई खरीदेगा नहीं कोई, तो फिर बिकवाल माल किधर बेचेगा? लेकिन जो अच्छे व्यापारी हैं वो समझदारी से काम करते हैं, वॉलेटिलिटी को ध्यान में रख के अपना ट्रेड करते हैं, निचले स्तर पर खरीदते हैं, उचले स्तर पर माल बेच के निकल जाते हैं, फिर नीचे आने का इंतजार करते हैं, फिर माल खरीदते हैं, फिर ऊंचे स्तर पर माल बेच देते हैं। ये प्रक्रिया आप अपनाओगे तो जीतोगे और वॉलेटिलिटी के अंदर कभी तेज और कभी मंदे से परेशान होंगे तो आपको परेशानियां बढ़ेंगी। जी अखिलेश जी। जी, यही से कर्नल जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन कहीं ना कहीं स्टक होके रह गई है। पहले तो हमने 6,000 के नीचे जाते हुए देखी, अब देख रहे हैं कि 6,200 से 6,250 पर आज कुछ बढ़ती नज़र आई है, लेकिन अभी भी 6,200 के लेवल्स ही हैं, हालांकि 6,300 का हाई भी लगता नज़र आया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आज सोयाबीन में तेजी की संभावना बन सकती है या फिर ऐसी सीमित दायरा रहेगा? देखिए, कुछ सप्ताह पहले जब सोयाबीन को बाजारों से रिमूव किया गया था, उस वक्त हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा आपसे की थी। हमने कहा था कि हवा और पानी को कोई रोक नहीं सकता, किसी भी प्रकार की जो बंदिशें हैं वो बहुत छोटी अवधि के लिए परेशान कर सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए वो बिल्कुल भी असरहीन होंगी और वो दिशाहीन होंगी। क्योंकि महत्वपूर्ण वो रहेगा कि सोयाबीन के प्राइस भारत निर्धारित कर ही नहीं सकता। जब हम 65% से अधिक का आयात करते हैं
अपनी खपत का, अपनी कंजम्पशन का, अपने उपभोग का, तो आप उस पर नियंत्रण रख ही नहीं कर सकते। यदि आप भारतीय रुपया की तरफ देख लें, कल भी 25-30 पैसे का बड़ा फर्क रहा था, गिरावट हुई थी डॉलर के खिलाफ, एक महत्वपूर्ण बिंदु था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर विदेशी जो मेन उत्पादक देश हैं, चाहे अमेरिका हो, अर्जेंटीना हो, वहां पर काफी फर्क पड़ रहा है, वहां पर परेशानियां बढ़ रही हैं, मौसम खराब हो रहे हैं, उसका भी असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर का प्रभाव हमारे भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर जिन्होंने नीचे स्तर पर माल खरीदा था, उनको अब ऊपरी स्तरों पर माल की थोड़ी बिकवाली करनी चाहिए, और फिर ये बाजार में जब ये नीचे आएगा, जिसकी संभावना है, उसको भी हम अपडेट करेंगे टाइमली आपको, उस समय पुनर्माप माल खरीदिए, ऊंचे स्तर पर माल बेचना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपको दोबारा कहूंगा कि इंटरडे के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको वॉलेटिलिटी से बचना चाहिए। ये अखिलेश जी, जी यहीं से कर्नल जी बात करें कर नॉन एग्री की, तो नॉन एग्री में हमने देखा है कि सोने चांदी में आज कुछ बढ़त बनती नजर आई है। ओमिक्रॉन के केसेस अब धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड वाले जो सेंटीमेंट्स हैं मार्केट में एक बार फिर से एक्टिव होते नजर आए हैं। इसके मद्देनजर आपको क्या लगता है, सोने चांदी में कैसा कारोबार दर्ज किया जा सकता है? देखिए, कल आपको याद होगा हमने बुलियन के अंदर तेजी की बात कही थी कि सिल्वर में मुझे तेज नजर आ रहा है, और कल सिल्वर ने जबरदस्त 62,350 का भी स्तर देखा, जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। उम्मीद है कि सभी मार्केट टाइम्स के दर्शकों ने जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं बहुत इंतजार से, उन्होंने लाभ कमाया होगा। आज मुझे लगता है कि चांदी के अंदर आज भी कुछ मजबूती जारी रह सकती है, निचले स्तरों पर अभी खरीद के चला जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आज आने वाले 2-3 दिन में बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी आने की संभावना है, तो छोटे व्यापारी बचना चाहिए। जी, यहीं से कर्नल जी बात करें अगर अब शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आज आपको क्या लगता है, शेयर बाजार में कैसा रुझान रहेगा, कैसा कारोबार रहेगा, किन शेयर्स के अंदर तेजी रहेगी? शेयर बाजार के अंदर देखिए, अभी बाजार बिल्कुल दोहराए पे खड़ा हो गया पुनः। आज बाजारों के अंदर मुझे लगता है कि बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आज छोटे व्यापारी जो हैं वो थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर रहेगा। अभी बैंकिंग स्टॉक्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, और लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि ऑयल एंड गैस और आईटी सेक्टर बुरी तरह से परेशान हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर असमंजस या कंफ्यूजन रहेंगे, छोटे व्यापारी थोड़ा सा बचे, और यदि इसका ट्रेड करना ही है तो ऊपरी स्तरों पर निफ्टी को बेच के चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, कमोडिटी बाजार और शेयर बाजार। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।